ये हमारी लग चुकी है जी मैंगो आइसक्रीम। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर YouTube चैनल भुक्खड़ परिंदा। तो गाइस देखो, आपको पता ही है जैसे समर्स का सीजन आ रहा है और समर्स के सीजन में सबसे ज्यादा लोग क्या लाइक करते हैं, आइसक्रीम खाना। ये आइसक्रीम पे आइसक्रीम की शॉप पे ना रश रहता है। तो उसी आइसक्रीम को क्या आप भी क्या हो गए यार, ये फ्रूट है या क्या है? फ्रूट को मिला के ये आइसक्रीम रेडी गई है। मैं कहाँ पे आया हूँ जी, सबसे पहले आपको बताता हूँ, मैं आया हूँ जी कुरेवल महावीर प्रसाद कुल्फी वाले पे, जो है जी चावड़ी बाजार में। तो गाइज यहाँ पे ना ये लोग आइसक्रीम रखते हैं, हर फ्रूट की आइसक्रीम है इनके पास। आप कौन सा फ्रूट आपको चाहिए वही फ्रूट आप बोलो, जो फ्रूट आपका फेवरेट है उसी फ्रूट में आप बोलो, उसी में आपको ये आइसक्रीम बना के दे देंगे। तो गाइस वही आइसक्रीम मैं टेस्ट करने के लिए आया हूं और आपके साथ भी शेयर करता हूं, उनके पास बहुत तरह की आइसक्रीम है। सबसे पहले आपको चल के दिखाते हैं कि कौन कौन से टाइप की इनके पास आइसक्रीम है, उसके बाद टेस्ट करते हैं अपनी। मैं अपनी फेवरेट आइसक्रीम टेस्ट करने वाला हूं, जो कि है मैंगो वाली आइसक्रीम। ये जो आप नेम देख रहे हैं कुरेमल महावीर प्रसाद, ये आइसक्रीम में ना टॉप पे है। उनके पास जो आइसक्रीम मिल सकती है ना दिल्ली में, वो आपको कहीं नहीं मिलती, क्योंकि आपके मुंह से पानी आने वाला है। वो आइसक्रीम, ऐसी ऐसी आइसक्रीम मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए गाइस दिखाते हैं आपको आइसक्रीम और टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये है इनका मेन्यू, जिसने है जी केसर पिस्ता, प्लेन क्रीम, फ्रूट क्रीम, रोज कुल्फी, मतलब काफ़ी तरह के इनके पास ना फ्लेवर्स हैं। और ये वाले जो कुल्फी देख रहे हो ना आप गाइस, अनार, फालसा, जामुन, कीवी, पन्ना, इमली, नींबू मसाला, काला खट्टा, आलू बुखारा, शरबत, आम, पेपर और ग्रेप्स, ये सिर्फ इनके पास ही मिलती है। तो देखो जी, लाइक जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी ना, उस तरह की आइसक्रीम मिल जाएगी इनके पास। तो भैया बताएंगे कौन कौन सी आइसक्रीम है? पिस्ता पर अनार। अच्छा अच्छा, तो इसमें मतलब अनार की क्या क्या रहता है इसमें? इसके अंदर जिसको खाली करते हैं, अच्छा। इसके अंदर अनार का जूस और क्रीम मिक्स करके, अच्छा, तो दाने डाल के, हाँ, उसके आइसक्रीम बना के, ड्राई वगैरह भी होता है। हाँ जी। तो गाइस देख रहे हो, मतलब पूरे अनार की शेप में आइसक्रीम बनाई हुई है। और कौन सी है? पिस्ता ऑरेंज है। क्या बात है, मैंगो भी है अंदर। अच्छा क्या बात है जी गाइस, मतलब मैंगो का सीजन आपको पता है आ चुका है। ये मैंगो की आइसक्रीम भी है जी, ऑप्शन बहुत है। पूरा खाली कर लेते हो आप? पूरा खाली, इसकी गुठली निकालते हैं। अच्छा, गुठली निकाल के इसके अंदर केसर पिस्ता का फ्लेवर भर देते हैं। अच्छा, और कौन कौन सी है भैया? ये एप्पल की। अच्छा जी, इसका कैसे रहता है? एप्पल का सोच के बड़ा हैरान हूँ कि एप्पल की आइसक्रीम कैसे बनती है। इसके अंदर से अभी खाली करते हैं सर, अच्छा। बीच का, फिर इसके अंदर केसर पिस्ता का फ्लेवर भर देते। सबसे ज्यादा कौन सी चलती है आपके पास, कौन सी दिखती है? सारी बेस्ट चलती है सर। मतलब तो इसमें ड्राई फ्रूट होता है। हाँ। तो मैं ये देख रहा हूँ, ब्राउन ब्राउन क्या चीज है? ये ढक्कन होता है मिट्टी का। अच्छा, ये ढक्कन है मिट्टी का। अरे भाई देख रहे हो आप। और कौन सी है? तो ये है गाइस मटका कुल्फी, ये पूरे मटके की शेप दी हुई है, पतला मटका है लेकिन ये नॉर्मल आइसक्रीम है। केसर पिस्ता है ये। अच्छा, ये वाली केसर पिस्ता है जी। अच्छा, और इसकी क्या कॉस्ट है? ये 80 रुपये की है। अच्छा, ये अनार है सर। अच्छा, अगर आपको छोटी लेनी है तो ये अनार फ्लेवर में ऐसी भी मिल जाएंगी आपको। ये है जी प्लेन क्रीम, ये कितने रुपये की है? ये भी 80 की है। ठीक है, तो इसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। हाँ जी, क्रीम की होती है, सिर्फ क्रीम की। हाँ क्रीम, इसमें ड्राई फ्रूट नहीं रहता? नहीं नहीं। अच्छा, और कौन सी है? ये भी काफ़ी तरह की पड़ी है आपके पास। ये शुगर फ्री है। अच्छा जी, शुगर फ्री आइसक्रीम भी है गाइस इनके पास। तो मतलब ये आइसक्रीम के ना बादशाह कह सकते हो आप इन्हें, मतलब इतनी तरह की आइसक्रीम आप देख रहे हो इनके पास, ये सारी इनके तरह की आइसक्रीम है। और ये कौन सी है? ये इसमें पान है, पान। अच्छा जी, पान फ्लेवर, क्या बात है गाइस। तो ये है जी पान फ्लेवर आइसक्रीम। तो मतलब काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये शरीफा फ्लेवर है। अच्छा जी, शरीफा, क्या बात है, शरीफा फ्लेवर में भी है। तो मतलब कोई भी फ्रूट इन्होंने है जो नहीं छोड़ा है। तो ये जो है शरीफा फ्लेवर भी है जी इनके पास। तो काफी तरह की आइसक्रीम है गाइस इनके पास। और मैं खाने वाला हूँ जी अपनी फेवरेट मैंगो आइसक्रीम। तो भैया से लगवाते हैं अपनी मैंगो आइसक्रीम। लगा दो भैया मैंगो आइसक्रीम। तो ये है जी मैंगो आइसक्रीम। तो इसको कैसे सर्व करते हो आप? ये क्या लगा होता है इसमें? आटा हो। अच्छा, तो यहाँ जी हमने मैंगो वाली आइसक्रीम अपनी लगवाई है। देखो कैसे मैंगो के छिलके उतर रहे हैं। तो ये कितने दिन तक चलती जाती है आइसक्रीम? ये तो आप महीना खाने रखे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, तो ये लगने जा रही है जी मेरी मैंगो वाली, जो मेरी फेवरेट आइसक्रीम। दिखाते हैं आपको टेस्ट करके कैसा है जी। ये देखो गाइस क्या निकल रहा है जी, ये है जी फिलिंग इनकी। तो ये पीसेस कट रहे हैं आइसक्रीम के। गाइस फिलिंग देख लो, इसमें जो क्रीम की फिलिंग है ना,
बाकी तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कैसा टेस्ट है, बट अभी दिखने में बहुत ही यम्मी लग रही है। सो दिस इज गाइस मैंगो बन, तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारी लग चुकी है जी मैंगो आइसक्रीम, और मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से जैसे एक क्रीम की फीलिंग इन्होंने बताई है भैया ने, और इसमें ड्राई फ्रूट भी होता है भैया, और इसमें रबड़ी होती है गाइस, केसर पिस्ता। तो इसकी जो कॉस्ट है जी 250 है, बाकी टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। तो गाइस मेरे हाथ में आ गई है जी मेरी फेवरेट मैंगो आइसक्रीम, और आप देख लो जी इसमें क्या सी फीलिंग की हुई है क्रीम की, जैसे इन्होंने भैया ने बताया कि रबड़ी की फीलिंग की हुई है। तो अब टेस्ट करते हैं, मेन तो टेस्ट ही होता है गाइस, चीज़ें तो काफ़ी मिल जाती है, मेन टेस्ट होता है टेस्ट कैसा है। तो इसको मैं ऐसे नहीं खाने वाला, मैं इसको हाथ से खाने वाला हूँ। तो ये मैंने एक पीस ले लिया, मतलब मैं गाइस कुछ बोल नहीं पा रहा, मैं खो गया हूँ इस वक्त टेस्ट में। टेस्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है इस वक्त, जो है थोड़ी सी हार्ड है, मतलब थोड़ी सी इसको अगर आप सॉफ्ट करके खाओगे ना और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और जैसे भैया ने बताया था इसमें रबड़ी का पूरा फ्लेवर आ रहा है, ये जो रबड़ी डली हुई है तो पूरा रबड़ी का अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और साइड पे देख लो मैंगो की स्लाइस जैसे होती है, पूरा मैंगो है, तो मतलब मैंगो का भी पूरा टेस्ट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगा है मुझे। तो इसकी जो कॉस्ट है, इनके पास चार तरह के फ्लेवर मिल जाएंगे आपको, मैंगो मिल जाएगा, पोमीग्रेनेट मिल जाएगा आपको, ऑरेंज मिल जाएगा, और एप्पल मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट 250 रुपीज़ है, और आई थिंक गाइस आप ये दो लोग आराम से खा सकते हो। गाइस आपको भी कभी ऐसी आइसक्रीम ट्राई करनी चाहिए जिसमें फ्रूट्स की फीलिंग, और जो फ्रूट्स के दीवाने हैं ना वो ये आइसक्रीम ट्राई कर सकते हैं। तो आपको कहाँ पे आना है ये आइसक्रीम खाने के लिए, ये है जी कुरेमल महावीर प्रसाद कुल्फी वाला। तो गाइस आप यहाँ पे आके ऐसी आइसक्रीम ट्राई कर सकते हो, बोल जाए तो बहुत ही बढ़िया लगा। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।